अगर आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहते हो या आप किसी को जानते हो जो प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना चाहता है, तो ये वीडियो आप सबके लिए है। वीडियो के आखिर में मैं बताऊंगा आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो लाइफ चेंजिंग होगी, लेकिन उसके पहले बात करते हैं आईपीएल के एक ऐसे मैच के लिए जिसमें मजा ही आ गया, एंटरटेनमेंट भरपूर, सीएसके वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स। सबसे पहले शुरू करते हैं टॉस से, तो टॉस लखनऊ ने जीता, बुलाया सीएसके को बैटिंग करने के लिए और सीएसके ने बिल्कुल ही निराश नहीं किया, जबरदस्त स्टार्ट, दोनों ओपनर्स छा गए थे। ऋतुराज गायकवाड़ अपने लाइफ के बेस्ट फॉर्म में हैं, पिछले 2 साल में जो उन्होंने क्रिकेट खेली है, एक होता है दरवाज़ा खटखटाना, दूसरा होता है दरवाजे को लात मार के तोड़ना, वो इंडियन टीम के इस दरवाजे को लात मार के तोड़ने की कदार पे है। दूसरे थे कॉन्वॉय, पिछली मैच में फेल हुए थे, इस मैच में मूड में थे, जबरदस्त साथ दिया उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ का, 3 रन से अपना अर्धशतक तक चूके, बहुत अनफॉर्चुनेट थे लेकिन जबरदस्त पारी। उसके बाद आए वन डाउन शिवम दुबे, उन्होंने भी निराश नहीं किया, अच्छा प्लेटफॉर्म था, उन्होंने कंटिन्यू किया, 150 के ऊपर का स्ट्राइक रेट उन्होंने भी बरकरार रखा, अच्छे छक्के, छक्कों की बौछार चल रही थी गेम में, उन्होंने कंटिन्यू किया उसको, ये बिल्कुल चलता ही रहा। लेकिन एक बैट्समैन राइडू, पिछले मैच में मैंने वही बंदा हूँ जो ये बोल रहा था कि इनको ये क्या कर रहे हैं टीम के अंदर, आज वो एक अलग मूड में थे, 190 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से खेला है उन्होंने, 27 नॉट आउट किए हैं 14 गेंदों में, 2 जबरदस्त छक्के, 2 लाजवाब चौके, राइडू जबरदस्त। रविंद्र जाडेजा कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए, आए और जल्दी ही गए, थोड़ा सा टाइम भी लेने की कोशिश की, 6 बॉल भी खेले उन्होंने, लेकिन उन 6 बॉलों में लगा नहीं कि वो रिदम ढूंढ पाए, क्योंकि ऐसे वो बैट्समैन है भी नहीं कि आगे सीधा ही ताड़ तोड़ करे जो मैच में चल रही थी। लेकिन धोनी, हमने शुरुआत से बात की कि धोनी मूड में है ये इस सीज़न, और ये मूड वो दिखा रहे हैं, पिछली मैच में भी, इस मैच में भी, 2 छक्के यहाँ पे भी उन्होंने मारे, 3 ही गेंद खेले, लेकिन 3 गेंदों में जब आप 2 छक्के मार रहे हो, तीसरी बॉल पे तो जाहिर से वो आउट हुए, लेकिन पहली 2 गेंदों में अगर आप छक्के छक्के मार रहे हो तो आप समझ सकते हो कि कितने ज़बरदस्त फॉर्म में आ रहे हो, अच्छे मूड में है। 217 रन किए सीएसके ने, बॉलिंग में ज़्यादा कुछ खुश होने के लिए था नहीं, मार्क वुड ने जाहिर सी बात है पिछले मैच में 4 लिए थे, इस 4-5 लिए थे शायद, इस मैच में 3 लिए, विकेट वो चटकार है। रवि बिश्नोई ज़बरदस्त, इकोनॉमी वाइज 7 की इकोनॉमी से, जहाँ पे 217 बोर्ड पे लगे, 7 की इकोनॉमी से 3 विकेट 7 में चटका है, जो मोमेंटम एक टाइम पे ऐसा लग रहा था 230-240 के पास जा रहा है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, जबरदस्त। जब लखनऊ सुपर जायंट्स की बात आई तो एक चीज जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, केएल राहुल की फॉर्म निराश फिर से उन्होंने किया, 217 चेज कर रहे हैं, पावर प्ले में 18 बॉल खेल गए, यानी तकरीबन यानी 3 ओवर और रन किए उन्होंने 20, तो जब आपका रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ऊपर से शुरू हो रहा है, तकरीबन 11, तो अगर आप 6-7 के रन रेट से खेल रहे हो तो आप बहुत कुछ गलत कर रहे हो। लेकिन उनके साथ थे काइल मेयर्स, जो अपना ज़बरदस्त फॉर्म बरकरार रखा उन्होंने, 50 इस मैच में भी किया, 53 पे आउट हो गए, 22 गेंदों में किया उन्होंने 8 चौके और 2 जबरदस्त छक्के। दो बैट्समैन जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ, दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या, दोनों 3 और 4 पे खेल रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कि वो जस्टिस दिया जा रहा है दूसरे प्लेयर्स को इनको 3 और 4 पे खिला के, क्योंकि दीपक हुड्डा शॉट खेलने में बिलीव करते हैं, फ्री फ्लोइंग प्लेयर है, उनको ऊपर भेज के वो इनजस्टिस कर रहे हैं दूसरे प्लेयर्स के साथ, तो ये मुझे लग रहा है। कृणाल पांड्या तो मुंबई इंडियंस के लिए आपने इतने सालों से देखा, वो 6-7 नंबर पे बैटिंग करते आए और आप उनको अभी सीधा 4 नंबर पे भेज रहे हो, और आपके यहाँ है कौन, आपके पास है स्टोनिस, जब आपके पास स्टोनिस है जो आप देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलियन यानी बिग बैश लीग में वो ऊपर खेलते हैं, ओपनर है, और आप ऑस्ट्रेलियन टीम में भी वो अच्छे अच्छे ऊपर बैटिंग करते हैं, तो आप उनको क्यों नहीं मौका दे रहे ऊपर, उनको भेजिए 3 नंबर, वो डोमिनेट करेंगे,
कंट्रोल करेंगे गेम को, जो उनकी काबिलियत है। लेकिन जो भी हुआ, प्लेटफॉर्म नहीं मिला, फिर भी लड़खड़ाते बहुत करीब चला गया मैच। एक टाइम पे चार ओवर में कुछ 50-55-60 रन चाहिए थे, तभी उम्मीद दिख रही थी, लेकिन विकेट गिर चुके थे। उसके बाद आखिरी में जो पूरन ने इनिंग्स खेली है, 32 किए उन्होंने 18 गेंद में, वो लखनऊ सुपर जायंट्स को गेम में वापस लेकर आ गया था, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए आयुष बदोनी। कृष्णभा गौतम लग रहा था कि ये कुछ जबरदस्त कर देंगे, लेकिन स्पिन ने गेम खराब ही कर दी थी। तो आखिरी आखिर में 12 रन से सीएसके मैच जीत गया। बोलिंग किसने जबरदस्त की सीएसके के लिए? 4 विकेट। कौन? ऑफ स्पिनर मोइन अली। जितना आप तारीफ करें मोइन अली की, उतनी कम है। 2 विकेट तुषार देशपांडे को भी मिले, महंगे वो साबित हो रहे हैं, पिछले मैच में भी काफी महंगे थे, इस मैच में भी 11 के ऊपर की उनकी इकोनॉमी है, तो महंगे वो चल रहे हैं। लेकिन एक बॉलर जिन्होंने पूरी मैच कंट्रोल करके दी सीएसके को, वो है मिचेल सैंडर। एक भी विकेट नहीं लिया, 5.2 की उनकी एक विकेट लिया उन्होंने, 5.2 की इकोनॉमी थी, कंट्रोल करके रखा टाइट। एक टाइम पे जब काइल मेयर्स की इनिंग हुई थी स्टार्टिंग में, उसके बाद गेम लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास जा रहा है, वहां से वो खींच के सीएसके के पास लेकर आए। रन्स नहीं दिए, टाइट ओवर्स डाले, प्रेशर बनाया, और प्रेशर में फॉल्टर किया इन एक्सपीरियंस लखनऊ सुपर जायंट्स का। तो जबरदस्त मैच हुआ है, दोनों टीमों ने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाया। लखनऊ सुपर जायंट्स ने 80 बनाए, चेन्नई सुपर किंग्स ने भी 80 के पास 79 टू बी स्पेसिफिक बनाए। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे चिन्ना स्वामी की विकेट से कि स्पिन होगा, 160-170 की मैच होगी, शायद उससे भी कम हो, नहीं। रोड था और रोड पे चल रही थी बुलेट ट्रेन्स, ट्रैक नहीं लगा था, मूड में थे और जबरदस्त तबाही बच रही थी। तो बात करते हैं जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, मैं एक क्रिकेट टीम ओन करता हूँ, प्रोफेशनल क्रिकेट टीम, क्लैम होम्स क्रिकेट टीम, जो प्रोवाइड करने वाली है अगले सीजन। हमारा सीजन शुरू होता है सितंबर में, और उस सीजन के पहले प्रोवाइड करने वाली है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को, जिसकी इंफॉर्मेशन हम सोशल मीडिया पे डालेंगे। ऑल इन ऑल 5 क्रिकेटर्स को प्रोवाइड करने वाले हैं, 5 में से 2 जूनियर क्रिकेटर्स होंगे जो 15 से 19 साल के बीच में होंगे। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, एक्सटेंडेबल बाय 1 मोर मंथ, ठीक है, 1+1 का उनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहाँ पे उनको प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के साथ खेलने का मौका दिया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए सब। और इसके अलावा 3 प्रोफेशनल प्लेयर्स को 6 से 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, जो इनिशियली 4 महीने का होगा, एक्सटेंडेबल टू 7 मंथ्स होगा। तो इस तरीके से होगा, अगर वो परफॉर्म अच्छा करते हैं तो उनको एक परमानेंट जॉब भी प्रोवाइड किया जाएगा, और उसके रिलेटेड बाकी सारी फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की जाएगी। ये ऑल एक्सपेंस पेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसमें रेम्यूनरेशन भी दिया जाएगा, यानी पैसे भी दिए जाएंगे खेलने के लिए। और सबसे ज़्यादा जो चीज़ मायने रखती है वो है अपॉर्चुनिटी, जो भरपूर मिलेगी अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। अगर आप कहीं पे इंडिया की गलियों में, या पाकिस्तान या बांग्लादेश या श्रीलंका या नेपाल या कहीं कहीं भी गलियों में क्रिकेट खेल रहे हो, आपको लगता है कि आप में टैलेंट है, तो ये आपका मौका है। ग्लैम होम्स क्रिकेट टीम, आप सोशल मीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिलेगा। आप मेरा चैनल फॉलो कीजिए, ये चैनल पे भी मैं आगे की डिटेल्स दूंगा इसकी, तो जुड़े रहेंगे एक साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।